नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। और इस समय जो है वो पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है, उसको लेकर के जहां एक तरफ आम आदमी की कमर टूटी हुई है, वहीं अब इस मुद्दे को लेकर के जो है वो कांग्रेस पार्टी का भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लगातार जो है वो पूरे प्रदेश स्तर में जो है वो कांग्रेस पार्टी का आज विरोध प्रदर्शन है, लगातार देख सकते हैं आप। इस समय हम फरीदाबाद के जो है वो मॉडर्न डीपीएस स्कूल के समीप खड़े हुए हैं, जहां पर कि जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और भारी संख्या में जो कांग्रेसी हैं वो यहां पे पहुंचे हुए हैं और बैल गाड़ी से जो है वो सवार होकर के ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय कि इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है वो पेट्रोल और डीजलों के दामों में बेतहाशा पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी हो रही है, कीमतों को लेकर के काफ़ी उछाल है, तो उसको लेकर के ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं भारी संख्या में इन लोगों का विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कितनी कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पूरे हरियाणा स्तर में आज कांग्रेस पार्टी का जो है वो विरोध प्रदर्शन है। और फरीदाबाद की बात करी जाए तो फरीदाबाद में भी अलग अलग जगहों पर जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि कितनी लगातार जिस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी के ऊपर इसका अतिरिक्त भार जो है वो पड़ेगा। और ये देखिए बैलगाड़ी लेकर के ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इससे कहीं साफ जाहिर है कि आने वाला समय जो है वो बैलगाड़ी का सहारा लेकर के ही लोगों को काटना पड़ेगा। और इसी को लेकर के आज जो है वो भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये लोग यहाँ से पैदल मार्च करते हुए जो है ये बैलगाड़ी से मार्च करते हुए ये लोग यहाँ से निकलेंगे और सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने का जो है वो कार्य करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में यदि बात करी जाए तो आज की डेट में पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो आम आदमी के लिए एक बहुत इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। और इसी में यदि इस तरीके की बढ़ोतरी, साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी कहा कि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ जिस तरीके से गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं आम जनता की जो है वो कमर तोड़ने का कार्य कर रही है। मोदी जी ने ये कहा था सरकार आएगी 15-15 लाख रुपए सबके खाते में दूंगा, और ये कहा था बाहर से सारा का सारा जो भी पैसा है विदेश के बैंकों में उसको लाऊंगा काले धन को, ना तो वो काला धन लाए, तो जी पता लगा काला धन सारा भाजपा के लोगों का है। 15 लाख रुपए किसी के खाते में नहीं आए, जीएसटी बढ़ने से 25% हमारे घर का खर्चा बढ़ गया, बेरोजगारी वही की वही है, किसी को नौकरी नहीं मिली, इन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। दूसरी बात यह है नहीं मिली, कम से कई करोड़ लोगों की तो नौकरी जा चुकी। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, किसान की फसल के रेट नहीं बढ़े, मजदूर की तनख्वाह नहीं बढ़ी, दिहाड़ीदार मजदूर की दिहाड़ी नहीं बढ़ी, किसान की फसल के रेट नहीं बढ़े, व्यापारी की इनकम नहीं बढ़ी, तेल सरसों का 60 से 210 रुपए, पेट्रोल 60-62 रुपए से 100 रुपए पार, डीजल 100 रुपए पार, सिलेंडर 400 रुपए 800 रुपए पार, इतनी महंगाई, इतना बुरा हाल देश का, देश इतनी प्रगति कर रहा है कि हमारी जीडीपी बिल्कुल गिर गई। मैं टीवी पे देखता हूँ रोज न्यूज, जहाँ हमारा देश चौथे नंबर पे आता था, कहते थे कि अमरीका रसिया चाइना के बाद इंडिया है, आज हमारा देश 105 नंबर पे है। बांग्लादेश से भी जिस बांग्लादेश को सन 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान की छाती पे लात मार के पैदा किया, आज जिस बांग्लादेश को हमने बसाया, जिस बांग्लादेश के अंदर हमने सड़कें, एजुकेशन, बिजली और पानी की व्यवस्था दी, आज वो बांग्लादेश हमसे भी 500 रुपए प्रति व्यक्ति आगे है। बिल्कुल, देखिए आप इस समय जो है वो कांग्रेसी नेता हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेसी नेता से हम जानने की कोशिश करेंगे। नेताजी, आज फॉर्च्यूनर गाड़ी से बैलगाड़ी पर कैसे?
ऐसे हालात बना दिए भाजपा ने कि हो सकता है बुग्गी भी ना मिले कुछ दिन बाद, बेल पे ही हमें आना पड़े। आज महंगाई देश के अंदर इतनी बुरी हालत हो गई है, जो 2014 में कांग्रेस ने 60-62 रुपए पेट्रोल डीजल छोड़ा वह 100 रुपए प्लस हो गया, जो सरसों का तेल 60-70 रुपए छोड़ा वो 200 रुपए प्लस हो गया, जो 400 कुछ रुपए सिलेंडर छोड़ा वो दुगना रेट 800 रुपए प्लस हो गया। मोदी सरकार हर तरीके से फेल है। मोदी सरकार ने ये कहा था कि सरकार बनेगी 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, 2 करोड़ रुपए लोगों को हर साल रोजगार देंगे और काला धन विदेश से लाएंगे। जब पता लगा काला धन विदेश के अंदर है ही भाजपा के लोगों का, तो काला धन लाने की बजाय 15 लाख देने की बजाय उन्होंने आज देश को इस आर्थिक पोजीशन में खड़ा कर दिया। जो देश हमारा 4th नंबर पे था वर्ल्ड के अंदर, आज 105वें नंबर पे आ गया। बड़े शर्म की बात है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सन 1971 में पाकिस्तान की छाती पे लात मारकर बांग्लादेश पैदा करा। बांग्लादेश के अंदर शिक्षा की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, सड़कों की सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं भारत सरकार ने दी। आज वो उस देश की आय हमारे हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति आय से 500 रुपए फालतू है, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए लगातार जो है वो कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भारी संख्या में इन लोगों ने साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं जो वादे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों ने जो उस समय घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं जमीनी हकीकत पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ी है, तो इसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है।